अनुपमा में अनुपमा की मदद मांगी है काव्या ने, अब दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा नाटक करने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि वनराज के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज अनुपमा खड़ा कर देगी, क्योंकि काव्या उसकी मदद मांगती है और अनुपमा को भी लगता है कि इस बार अगर तलाक हुआ तो सब कुछ बिखर कर रह जाएगा और मालविका की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और वनराज की जो ये गलत फहमियां हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी। देखने को मिलेगा कि यहाँ पर काव्या मदद मांगती है और अनुपमा इसका फैसला करती है और उसका साथ देने का वादा करती है कि वो उसको कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होने देगी। तो वहीं देखने को मिलेगा कि अब अनुपमा काव्या को अपने ही ऑफिस में जॉब दे देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनुपमा काव्या को सपोर्ट करते नजर आएगी, वो भी मालिका और पूरे परिवार के लिए, क्योंकि यही सबके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर काव्या की एंट्री होने वाली है एक बार फिर से अनुज के ऑफिस में, जहाँ पर अनुपमा और काव्या दोनों ही मिलकर मालविका के सामने वनराज का असली चेहरा लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अब मालविका को प्यार से ही अपनी तरफ किया जा सकता है। अनुपमा को ये तो समझ आ ही चुका है क्योंकि जो वनराज गेम खेल रहा है उसमें सिर्फ वो प्यार के ही ड्रामे कर रहा है और यही ड्रामा अब अनुपमा, उमा, काव्या और अनुज मिलकर करने वाले हैं, जिसके बाद में कहीं ना कहीं मालविका के सामने वनराज का असली चेहरा जल्द ही आएगा। कुछ ऐसे ही ट्रिक्स करने वाले हैं अनुपमा और काव्या, जिसमें कि काव्या हर वक्त वनराज के सामने ही रहेगी, तो इसी बात से वनराज बहुत बुरी तरह से भड़कने भी वाला है कि अनुपमा तुमने ये सही नहीं किया है, ये सब जब तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं देखने को मिलेगा कि अब काव्या कहीं ऐसी चीजें हैंडल करना चाहती है और वो एक चांस फिर से कंपनी में ले लेती है, जिसके बाद ने यहाँ पर हर वक्त काव्या की नजर वनराज और मालिका पर रहने वाली है। तो ये वनराज का असली चेहरा जो कि वो अब जल्द ही कबूल करेगा, वो भी अपनी लीगल टीम के सामने, और उसी का ये सब कुछ जो प्रूफ है वो काव्या कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने वाली है। पूरी फैमिली भी कहीं ना कहीं काव्या को ही सपोर्ट करते नजर आएगी फिर से वनराज को अपनी तरफ लाने के लिए, और एक बार फिर से काव्या एक अच्छी बहू बनकर दिखाएगी और एक अच्छी पार्टनर, एक अच्छी लाइफ पार्टनर बनकर दिखाएगी और वनराज का दिल वापस जीतने की कोशिश करेगी। और अनुपमा को भी लगता है कि वनराज जिस गलत रास्ते पर चल पड़ा है वहां से उसका प्यार ही वापस ला सकता है, तो अब काव्या का प्यार ही वापस वनराज को अपनी तरफ खींचेगा और सब कुछ सही करने के लिए अनुपमा ने यही राह चुनी है। प्यार वाली की प्यार से ही मालविका को मनाया जा सकता है और प्यार से ही वनराज को। अब देखते हैं कि क्या ये असलियत, अब ये ट्रिक उनकी काम करती है या नहीं।